रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दामिनी के बेटे रोहन का काम छूट गया था और वो लगातार अपनी जॉब के लिए जदोजहद में लगा हुआ था। इसी बीच दामिनी की बहू रूही अपने पति और घर के लिए काफी परेशान थी। और तो और अब करीब एक महीना बीत जाता है, लेकिन रूही के पति रोहन को काम नहीं मिलता। एक रोज रूही किचन में खाना बना रही थी, तभी रूही के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है और वो आते ही रूही को आवाज लगाते हुए कहती है, दामिनी, अरे ओ दामिनी, कहाँ है तू? लगता है घर में कोई है ही नहीं, बाद में आती हूँ। अरे आंटी जी, माँ जी नहीं है, कहाँ जा रही हैं आप? आई हैं तो आप थोड़ा बैठ ही लीजिए। कहाँ से आवाज आ रही है? दिख तो कोई नहीं रहा है, कौन है सामने आओ, नहीं तो इस उम्र में डर से ही मेरा दौरा पड़ जाएगा। इतना सुनने के बाद ही रूही किचन से निकलती है और विमला आंटी से कहती है, अरे आंटी जी, घबरा क्यों गई आप? मैं तो यही हूँ, वो दरअसल इडली सांभर बना रही थी, खाएंगी आप? बहु, खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेकिन घर पर भी खाना बना कर आई हूँ। आप बैठो, ये कोई पेट भरने की चीज थोड़ी ही है, खाकर बताओ कैसी बनी है। मेरी माँ बनाती थी, बहुत ही टेस्टी, और आज मैंने भी ट्राई किया है। अब जैसे ही रूही विमला के लिए प्लेट में इडली सांभर लेकर आती है तो विमला रूही से कहती है, क्या बात है बहू, खुशबू तो एकदम ओरिजिनल आ रही है तेरे इडली सांभर से। अरे विमला आंटी, खाकर तो बताओ कैसी बनी है। इतना कहने के बाद विमला कई सारी इडली खा जाती है। रूही विमला को लाकर देखकर परेशान हो जाती है और अब करीब 10 इडली और कई कटोरी सांभर खाने के बाद विमला रूही से कहती है, बहू अब जा रही हूँ, घर पर भी खाना खाना है, वरना बच्चे कहेंगे कहाँ से खाकर आई हुई हूँ। सच में ये पेट भरने की चीज नहीं है, अभी तो भरपेट खाना भी खाना है। अरे विमला आंटी, बिल्कुल पेट भरकर ही खाना खाना, वरना दिक्कत हो जाएगी। अब रूही के साथ दामिनी और पति रोहन भी जब रूही के हाथों का इडली सांभर खाते हैं तो वो भी रूही के हाथों के बनाए हुए इडली सांभर की बहुत तारीफ करते हैं। और रोहन अपनी पत्नी रूही से कहता है, बहुत ही अच्छे बने हैं तुम्हारे हाथ के इडली सांभर, मजा आ गया खाकर। सच में बहू, इतनी अच्छी तो तू रोटी भी नहीं बनाती जितने अच्छे तू इडली सांभर बनाती है। क्यों नहीं तू एक इडली सांभर की दुकान लगा लेती? रोहन की जॉब भी छूटी हुई है, घर में भी थोड़ी मदद हो जाएगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं माँ जी, आप ये बताओ सच में मुझे ये दुकान खोलनी चाहिए? हाँ हाँ रूही, सुबह शाम घर का काम होता है, माँ भी तुम्हारे साथ दुकान पर रह लेगी, वाकई बहुत अच्छी बनाई है इडली। अब रूही की सास और उसका पति रूही के लिए एक अच्छा ढाबा खुलवाते हैं। अब रूही का इडली सांभर की दुकान शुरू में तो मंदी चलती है, लेकिन बाद में वो जब लोगों को पता चलता है कि रूही का इडली सांभर बेचने का अंदाज ही अलग है, तो धीरे धीरे उसके ढाबे पर लोगों का आना शुरू होता है। एक रोज एक आदमी रूही के ढाबे पर आता है और वो एक प्लेट इडली सांभर ऑर्डर करता है। अरे ये क्या है, सल्यूट है मैडम आपको, वाकई लोग इससे कुछ सीखेंगे। वैसे तो मैंने ज्यादातर 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही देखे हैं ऐसे देशभक्त लोग। जी सर, मैंने कुछ अलग करने का सोचा और मुझे ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आया। जी मैं एक रिटायर फौजी अफसर हूँ, आपकी दुकान के चर्चे सुने थे तो मैं यहाँ इडली सांभर का मजा लेने आ गया, और मुझे तो ये देखकर ही लाजवाब लग रहा है, वाकई ही बहुत ही बढ़िया है। अब वो फौजी उस इडली सांभर की भी खूब तारीफें करता है। धीरे धीरे रूही के ढाबे पर लोगों का आना होने लगता है और रूही के ढाबे की सेल भी बढ़ जाती है। एक दिन में रूही अपने ढाबे से 15,000 की कमाई कर लिया करती थी। ये देखकर रूही का पति और उसकी सास दामिनी भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन अब इस खुशी में कोई तो खलल डालेगा ही, और वो थी विमला, जो एक रोज रूही के ढाबे पर आती है और रूही से कहती है, बहू आज बहुत भूख लगी हुई है, ला लगा दे इडली सांभर की एक प्लेट। अरे विमला आंटी, आप अभी लगा देती हूँ आपकी इडली सांभर की प्लेट। अब रूही अपने ढाबे पर काम करने वाले छोटू को कहलवा कर विमला के लिए इडली सांभर की प्लेट लगवा देती है, लेकिन विमला रंगीन इडली सांभर को देखकर रूही के ढाबे पर ड्रामा कर देती है। ये क्या रंगीन इडली बनाई हुई है बहू तूने? नाना, ये सब मैं ना खाती, ना ही किसी को खाने देती हूँ। आंटी जी, ये क्या तरीका है और इससे क्या ही प्रॉब्लम है? अरे ये जहरीले रंग वाले इडली लोगों को बीमार करेंगे बहू, तुझे अकल नहीं है क्या? आंटी जी, इसे खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच में ये बहुत स्वादिष्ट है, बाकी इडलियों की तरह ही। अब विमला का ये तमाशा देखकर वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है, अरे माता जी, ये कोई जहरीली इडली नहीं है,
बस में थोड़ा सा रंग ऐड किया गया है ताकि ये रंगीन बने। इससे सेहत पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। जी इन्हें कोई तो समझाए, ये कब से अजीब हरकत कर रही हैं। आंटी जी ऐसा क्यों कर रही हैं आप? शांत भी हो जाइए अब। अब विमला का ये तमाशा देखकर दामिनी भी रूही के इडली सांभर के ढाबे पर आती है और विमला से कहती है, साफ साफ बोल ले, तुझसे मेरी बहू की तरक्की नहीं देखी जाती, जल रही है तू मेरी बहू से, है ना? अरे मैं क्यों जलने लग गई तेरी बहू से, जो सच है वही बोल रही हूँ। ऐसे भी रंग बिरंगी भला कोई इडली हुई है? विमला क्यों कर रही है इतना तमाशा? कोई दिक्कत आ रही है तो बैठ कर बात कर लेते हैं, चल यहाँ से। अब जैसे तैसे विमला को दामिनी उसके घर तक पहुँचाती है और जब रात को रूही घर आती है तो उसकी बहू दामिनी विमला को कहती है, बहू विमला क्या करने आई थी, कहीं तूने तो उसे ढाबे पर नहीं बुलाया था? नहीं नहीं माँ जी, मुझे तो काम से फुर्सत ही नहीं होती, तो भला मैं उन्हें कैसे बुला सकती हूँ, वो किसी बुरे इरादे से ही आई थी। बहू अब कभी वो ढाबे के पास भटकती हुई नजर आए ना तो मुझे एक फोन कर दियो, इस विमला की बच्ची का भूत भगाती हूँ, समझती क्या है ये अपने आप को। हाँ माँ जी, आपसे ही उनका भूत भागता है, आपको जरूर बुलाऊंगी। अब अगले ही दिन रूही देखती है कि विमला उसकी दुकान की तरफ आ रही है और जिस समय विमला दुकान पर आती है उस वक्त दामिनी भी दुकान पर थी और जैसे ही विमला ढाबे पर पहुँच कर कुछ बोलने वाली थी, रूही उसके मुँह में इडली ठूस देती है और विमला उसे खा लेती है। उसके बाद दूसरी फिर तीसरी, ऐसे ही कई सारी इडली रूही विमला के मुँह में ठूसती है। ये देखकर विमला रूही को रुकने को कहती है, बहू मैं तुझसे यहाँ माफ़ी मांगने आई हूँ कल के ड्रामे के लिए, और तू है कि मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रही है। अच्छा आंटी जी ऐसी बात है, मुझे तो लगा कहीं आज भी आप बखेड़ा ना खड़ा कर दो। नहीं नहीं तू तो अपनी है और दामिनी से तो मेरी खूब बनती भी है, क्यों दामिनी? कभी बताया तूने तुझसे मेरी कितनी बनती है? इस तरह दामिनी और विमला मुस्कुराती हैं, जिसके बाद दामिनी की बहू का ढाबा अच्छे से चलता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।